चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें अपन बात करे थे बेटा ऑर्बिटल के बारे में। ओके ठीक है, अलग अलग कंडीशन अपने डिस्कस की थी बेटा। इससे पहले जो हमने बात की थी क्या नॉर्मली क्या यानी क्वांटम नंबर्स के बारे में जैसे हमने बात की थी, तो क्या होगा एन एल एम एस हर क्वांटम नंबर के बारे में एक एक चीज़ मैंने डिटेल से बताई थी और उसके बेसिस पे एक एक रिजल्ट भी मैंने बताया था। क्लियर? चलो बेटा, फिर उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था ऑर्बिटल, ओके यानी कक्षक के बारे में। थोड़ा सा मैंने एक दो पॉइंट बताए भी थे क्या होता है कैसे होता है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल जैसे मैंने कहा था बेटा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षक। ठीक है, ऑर्बिटल आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या फिर प्रायिकता सर्वाधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा, अब क्या कहेंगे? एक सबसेल जो होता है, एक सबसेल के जितने भी क्या होते हैं ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, एक सबसेल यानी उपकोष के जितने भी कक्षक होंगे सभी की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। और बच्चों क्या कहेंगे, इस पॉइंट को मैंने कहा था एक स्पेशल नेम देते हैं क्या? डीजनरेशन, यानी डीजनरेट होते हैं। तो क्या कहेंगे? एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं, यानी एक उपकोष के सभी कक्षक क्या होते हैं? समभ्रंश होते हैं। मतलब क्या है, एक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल होंगे सभी की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी बेटा। क्लियर? तो जैसे पी सबसेल है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो क्या होगा? तीनों की एनर्जी इक्वल। डी में फाइव होते हैं तो क्या होगा? सभी की एनर्जी इक्वल। एफ में सेवन होते हैं तो सभी की एनर्जी इक्वल। क्लियर? चलो बेटा, यहाँ तक अपन ने बात की थी, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मली अपन ने क्या कहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे तो हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल। और क्या कहेंगे, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ हर जगह तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? मैंने क्या कहा, हर जगह तो प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि इसने बोला ही क्या, वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, इसका मतलब कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कहीं पर क्या होगा? कम होगा। आ गया समझ में? तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? नोड कहते हैं। मैंने क्या कहा, यानी नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना शून्य हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? नोड कहते हैं। क्लियर? ये जो नोड वर्ड आया बेटा, देखो इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, समझना अच्छे से। नोड की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना, नोड के ऊपर क्या होता है, साई एंड साई स्क्वायर क्या होता है बेटा? दोनों ही जीरो होते हैं। मैंने क्या कहा, जहां नोड की बात करेंगे वहां पर साई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मैंने क्या कहा था, साई का मतलब क्या होता है? वेव फंक्शन, तरंग फलन। तरंग मतलब क्या, यानी वो पोजीशन, वो स्पेस, वो स्थान जहां पर क्या कोई वेव को दर्शाता, तरंग को दर्शाता है। वेव या तरंग कब होगी बेटा? जब इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने क्या कहा था, मोबाइल का टावर होगा तभी तो बेटा नेटवर्क की रेंज होगी, येस और नो? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कोई वेव या तरंग होगी क्या? नहीं। तो तरंग फलन यानी वेव फंक्शन भी जीरो होगा। क्लियर? तो क्या कहा, नोड के ऊपर क्या होता है, साई की वैल्यू जीरो होती है। क्लियर? चलो बेटा, अब बात करें, जैसे मैंने नोड के लिए कहा, नोड क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो कौन सा, रेडियल नोड। क्या कहा, एक तो कौन सा नोड होगा, रेडियल नोड, और एक कौन सा होता है, एंगुलर नोड होता है। एक तो रेडियल, दूसरा कौन सा होता है, एंगुलर। ओके, समझना अच्छे से, क्या होते हैं कैसे होते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है, ऑर्बिटल। क्या कहा, ऑर्बिटल के चारों तरफ का एरिया। मैंने क्या कहा, अरे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन होता है बेटा ऑर्बिटल के अंदर। अब ये बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह एग्जिस्ट करेगा क्या? अरे हर जगह पाया जाएगा क्या? नहीं। उसका एक फिक्स डायमीटर होगा, एक फिक्स एरिया होगा जहां तक वो प्रेजेंट होगा। उसके बाहर क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी यानी उसकी प्रेजेंस क्या होगी? जीरो होगी। जैसे मेरी बात करूं, मैं यहां पर मान लो अपने इस क्लासरूम के अंदर हूं, तो क्या करूंगा बेटा, मैं इस क्लासरूम के अंदर हूं तो एक फिक्स पोजिशन है। मैं ऐसा है क्या पूरे क्लासरूम के अंदर मैं फैला हुआ हूँ? नहीं बेटा, मैं इस क्लासरूम के अंदर हूँ तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन बोलूँ खुद को, तो क्या होगा, मेरी जो एग्जिस्ट है, मेरा अस्तित्व क्या है,
एक फिक्स एरिया तक है, आ गया समझ में? यानी उस एरिया के बाद क्या होगा, आपसे बोले कि सर का बॉडी पार्ट कोई भी इस एरिया के बाहर है क्या? नहीं बेटा, मैं इस एरिया के अंदर ही खड़ा हूं, यस और नो, क्लियर? वैसे ही क्या होता है, जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करेंगे, उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल के अंदर है, इस कक्षक के अंदर है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो क्या होगी, इस ऑर्बिटल तक ही होगी। इसके बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, जीरो होगा बेटा, क्लियर? तो क्या कहेंगे, यानी ऑर्बिटल यानी कक्षक के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या हो या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, उसे क्या बोले, रेडियल नोड। मैंने क्या कहा, समझ में आया? और यह ध्यान रखना, दो सेल के बीच का एरिया भी होता है, क्लियर? ठीक है, एंगुलर, एंगुलर नाम से पता चल रहा है, किसी एंगल पर लंबवत, आ गया समझ में? ऐसा क्या, कोई ऑर्बिटल है, मान लो बेटा कोई ऑर्बिटल है इसके बीच का, ऐसा कोई तल, ऐसा कोई प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड। मैंने क्या कहा, बच्चा कहेगा सर इसे रेडियल क्यों बोला, रेडियल का मतलब क्या होता, त्रिज्या होता ना, त्रिज्य, तो क्या कहेंगे, एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करें बेटा, ऐसा कोई एरिया देखें जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, तो हमें पता है एक रेडियस के रेस्पेक्ट में, एक रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या होता है बेटा, अरे स्पर्श रेखीय यानी टेंजेंशियल लाइन अगर बनाते जाएं तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, इस टाइप का एरिया आता नहीं आता, आता है, तो एक रेडियस के रेस्पेक्ट में आता है, इस वजह से बोलते हैं रेडियल, क्लियर? ठीक है, जबकि ये क्या आता है, एंगुलर, किसी एंगल पर, यानी जैसे लंबवत होता है 90 डिग्री के एंगल पर, वैसे ही यानी एंगुलर क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या, ऐसा कोई प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड, क्लियर? ठीक है बेटा, अब अगर बात करें तो ये जो रेडियल होता है, हमें पता क्या कहा, टेंजेंशियल होता है, जैसे स्पर्श रेखीय होता है, तो बेटा क्या करेंगे, इसकी शेप देखो कैसे आती है, अरे स्फेरिकल फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा, देखो राउंड राउंड आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, ये कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल, क्या कहेंगे, स्फेरिकल। एंड और हमें पता है अगर ये स्फेरिकल है तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन होगी क्या, नहीं बेटा, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल, यानी नॉन डायरेक्शनल यानी अदिशात्मक है, अदिशात्मक मतलब क्या, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन हम नहीं बता सकते कि x एक्सिस की तरफ होगा, y की तरफ होगा या z एक्सिस की तरफ होगा, क्लियर? ठीक है, जबकि इसकी बात करें बेटा, देखो ये क्या होगा, ये राउंड फॉर्म में है क्या, नहीं बेटा, ये कैसा है, एक एंगुलर है, एंगुलर है यानी किसी एंगल पर है, तो क्या कहेंगे, इसे स्फेरिकल बोला था, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल मतलब गोलाकार तो नहीं होगा, यानी स्फेयर की फॉर्म में तो नहीं होगा, और क्या करेंगे, ये नॉन स्फेरिकल है और ये एक एंगल पर आता है, तो हमें पता है एक एंगल पर कोई लाइन आएगी, कोई प्लेन आएगा, तो प्लेन आएगा हमें पता है उसकी कोई एक्सिस हो सकती, नहीं हो सकती, एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई पर भी हो सकता है, और जेड पर भी हो सकता है, यस और नो, तो इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ये जैसे कैसा था, नॉन डायरेक्शनल, तो ये कैसा होता है बेटा, डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है, समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा, और ये क्या होता है, सरफेस के रेस्पेक्ट में होता है, ऑर्बिटल के चारों तरफ या दो सेल के बीच का एरिया भी बोलते हैं, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है नोडल सरफेस। मैंने क्या कहा, इसे क्या नाम देते हैं बेटा, नोडल सरफेस, आ गया समझ में? और इसको बोला जाता है बेटा नोडल प्लेन। मैंने क्या कहा, नोडल प्लेन, प्लेन क्या बोला, प्लेन मतलब क्या, एक तल, यानी ऐसा कोई परपेंडिकुलर क्या होगा, कोई तल होगा बेटा, नोडल प्लेन, इसे बोलते हैं नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन के लिए एक बात खास कर ध्यान रखना बेटा, क्या, फॉर्म्ड बाय टू एक्सिस, क्या कहा, फॉर्म्ड बाय टू एक्सिस, यानी दो एक्सिस से मिलाकर बनने वाला, क्या कहा, प्लेन का जब भी फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, दो एक्सिस के मिलने से बनेगा, क्लियर? ठीक है बेटा, बात समझ में आई क्या? अब क्या कहेंगे, अगर इसके नंबर की बात करें बेटा, तो क्या कहा, जैसे दो टाइप के नोड होते हैं, कैसे करना है, क्या करना, समझ में आ गया, क्लियर? चलो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट लो, को डाउट, अरे यहां तक बात ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया, चलो बेटा आगे बढ़े। चलो तो ये तो अपने बात की क्या, कि नोड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है और कैसे होता है, क्लियर? अब जो हमें बार बार बेटा क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसका नंबर क्या होता है, उसका नंबर क्या होता है, ओके? तो दोनों के लिए क्या एक फॉर्मूला डिसाइड किया गया, जिसके बेसिस पे क्या रेडियल नोड और एंगुलर नोड, यानी क्या, यानी नोडल सरफेस या नोडल प्लेन का नंबर डिसाइड किया जाता है। तो वो क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ नोडल सरफेस,
नंबर ऑफ नोडल सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन माइनस एल माइनस वन। क्या करेंगे, जो भी आपको दिया जाए यानी कोई भी आपको सब सेल सेल वगैरह दे, उसके लिए पूछे कि उसके अंदर जो ऑर्बिटल है उसके लिए नोडल सरफेस क्या होगा या रेडियल नोड का नंबर क्या होगा, तो क्या करेंगे उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। बच्चा कहेगा सर एन एल क्या होगा, कैसे पता चलेगा, लास्ट लेक्चर में यही तो डिस्कस किया था, याद है ना, क्लियर। या फिर आपसे बोले बेटा दूसरा क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन की बात करें तो वो क्या होता है बेटा, ओनली एंड ओनली एल के इक्वल होता है, क्लियर। ठीक है, एक आपसे बोले क्या, नंबर ऑफ टोटल नोड्स, टोटल नोड्स, ठीक है, टोटल नोड्स और नोड, ठीक है, ओनली नोड बोले तो भी समझ जाना किसकी बात कर रहा है, टोटल नोड की ही बात कर रहा है बेटा। ये क्या होगा, इन दोनों का सम कर दो, ये प्लस ये, अरे कुछ नोड ऐसे होंगे कुछ नोड ऐसे होंगे, दोनों का जो सम होगा वही तो क्या होगा, टोटल नोड होगा बेटा। तो क्या करेंगे, जो रेडियल वाला है यानी कैसा नोडल सरफेस की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एन माइनस एल माइनस वन, क्लियर, प्लस और ये वाला कितना है बेटा, एल, क्लियर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, प्लस एल से माइनस एल गया यानी क्या बच गया, एन माइनस वन, समझ में आ गया। ये किसका नंबर आएगा बेटा, टोटल नोड का नंबर आएगा। तो ये ध्यान रखना, अलग अलग ऑर्बिटल हम पढ़ेंगे एस पी डी एफ, उनमें बार बार आपसे बोला जाएगा क्या रेडियल नोड या नोडल सरफेस कितनी होगी, या फिर एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कितने होंगे, टोटल नोड कितने होंगे, वो इनके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा स्क्रीन शॉट लो फटाफट ले लिए, चलो आगे बढ़े। चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की ऑर्बिटल और नोड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यहां तक बात ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल यानी कक्षक के प्रकार, यानी ऑर्बिटल या कक्षक कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ओके। उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जैसे अपन डिस्कस करते हैं बेटा एस ऑर्बिटल यानी एस कक्षक, ओके। एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल यानी एस कक्षक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो एस ऑर्बिटल किस में पाए जाते हैं बेटा, एस सबसेल के अंदर पाए जाते हैं, यस और नो। अरे एस सबसेल के अंदर होते नहीं होते, एस सबसेल के अंदर होते हैं, और हर एस सबसेल में, एस कोश में कितने एस ऑर्बिटल होते हैं, एक एस ऑर्बिटल पाया जाता है, क्लियर। ठीक है बेटा, एस ऑर्बिटल की बात करें तो ये कैसे होते हैं रे, पहली बात तो किस में होंगे, एस सबसेल में, क्लियर। एस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, एस ऑर्बिटल। और इसका नंबर कितना होता है, एक ही, और क्या होता है, एक सबसेल के अंदर, एस सबसेल के अंदर एक ही एस ऑर्बिटल होता है, क्लियर। चलो बेटा अब बात करिए कैसे होते हैं, तो हमें पता है बेटा ये स्फेरिकल होते हैं या नहीं होते, यस और नो। अरे स्फेरिकल होते हैं एंड कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल यानी क्या, गोलीय व अदिशात्मक होते हैं, कैसे। अरे एस ऑर्बिटल अपने क्या कहा था, एस कैसे होते हैं बेटा, डबल शेप होते हैं, कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोलीय होते हैं, याद है ना, एल की वैल्यू जीरो, एल की वैल्यू जीरो, तो किसी भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन आंसर नहीं दे सकते, सभी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इक्वल सा होगा, ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है, स्फेरिकल। और हमें पता है स्फेरिकल है तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल, अदिशात्मक, कोई फिक्स दिशा नहीं बता सकते, एक्स एक्स की तरफ या वाई की तरफ या जेड की तरफ, क्लियर। ठीक है बेटा, देखो अलग अलग सेल, जैसे मान लो अलग अलग सेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, एस ऑर्बिटल जो होता है उसकी साइज अलग अलग होगी, लेकिन शेप सभी की क्या होगी, सेम ही होगी। मैंने क्या कहा, अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में जो एस ऑर्बिटल होते हैं, एस कक्षक होते हैं, उनकी शेप तो सभी की स्फेरिकली होगी, आकृति तो सभी की क्या होगी, गोलाकार होगी, लेकिन साइज सभी की कम ज़्यादा होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ये मान लो न्यूक्लियस है बेटा, ये मान लो फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड सेल है, फर्स्ट सेल का जो ऑर्बिटल है उसे क्या बोलूंगा मैं, 1s, सेकंड का क्या है 2s, थर्ड का क्या है 3s। तो ये बताओ बच्चों सभी के लिए क्या होगा, 1s 2s 3s, इनकी साइज सेम होगी क्या, नहीं, साइज अलग अलग होगी। जैसे जैसे हमें पता है एरिया बढ़ता जाएगा साइज भी बढ़ती जाएगी, लेकिन शेप तो सभी की क्या रहेगी, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही रहेगी, क्लियर। ठीक है बेटा, तो और अपन क्या कह सकते हैं, अगर साइज और एनर्जी की बात करें तो ध्यान रखना, साइज और एनर्जी का ऑर्डर बोला जाए, साइज एंड एनर्जी, साइज और एनर्जी की बात करें तो आपसे बोले 1s 2s 3s 4s, तो साइज और एनर्जी दोनों बढ़ती जाती है बेटा। मैंने क्या कहा, साइज और एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्लियर। एक इसमें क्या बोलेगा,
नोडल सरफेस कितनी होगी, क्लियर? किसके अंदर नोडल सरफेस कितनी होगी, तो नोडल सरफेस क्या होता है बेटा, n माइनस एल माइनस वन, अरे फॉर्मूला याद है ना, ठीक है बेटा, n, n तो बेटा जो भी हमें दे सकता है, s के लिए l कितना होता है जीरो, अरे याद है ना, लास्ट लेक्चर में बात की थी l की वैल्यू जीरो माइनस वन, तो क्या करेंगे n माइनस वन, ये क्या हो जाएगी इसके लिए नोडल सरफेस। अब आपको क्या करिए, जिस टाइप का आपको सेल या ऑर्बिट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू पुट करो और इसके नोडल सरफेस आ जाएंगे, क्लियर? ठीक है बेटा, या फिर इसके लिए बोले नोडल प्लेन, यानी नोडल प्लेन कितने होंगे, तो नोडल प्लेन क्या होता है बेटा L, और हमें पता है इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, बच्चा कहेगा सर L जीरो कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। नोडल प्लेन तो क्या होता है, दो एक्सिस को मिलाकर ऐसा कोई प्लेन, दो एक्सिस को मिलाकर ऐसा कोई प्लेन, यानी आर पार काटना बेटा। मैंने क्या कहा, प्लेन का मतलब क्या होता है, दो एक्सिस को मिलाकर क्या, ऐसा कोई प्लेन, यानी दो एक्सिस को कैसे, जैसे मान लो डस्टर है, इससे मुझे प्लेन काटना हो, प्लेन बनाना हो, तो क्या करेंगे, इसको बीच में से आर पार काट दो बेटा। मैंने क्या कहा, बीच में से आर पार काट देंगे, ऐसी कोई सरफेस आएगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है बेटा, तो प्लेन का ध्यान रखना दो एक्सिस से मिलकर बने, दो एक्सिस कौन सी, एक्स वाई भी हो सकती है, वाई जेड या फिर जेड एक्स भी हो सकती है, क्लियर? अब इसमें हमें पता है अगर ये स्फेरिकल फॉर्म में है तो ऐसा कोई प्लेन बता सकते हैं क्या जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, नो, क्योंकि हमें पता है ये स्फेरिकल होता है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सभी एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल होती है, यानी ऐसी कोई एक्सिस इसमें है ही नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपन जीरो बता सके, नहीं बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे, सभी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कुछ न कुछ होती है, यानी इक्वल सी होती है, तो ऐसी कोई एक्सिस नहीं बता सकते जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होगी ही नहीं किसी एक्सिस पर, तो किसी भी एक्सिस से मिलकर कोई प्लेन बनेगा क्या, नो बेटा। तो नोडल प्लेन का नंबर कितना होता है, जीरो होता है, क्लियर? ठीक है, और टोटल नोड की अगर मैं बात करूँ तो क्या करेंगे, टोटल नोड, टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, दोनों का सम कर दे तो एन माइनस वन प्लस जीरो, मतलब कितना आ जाएगा, एन माइनस वन ही आ जाएगा। क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ये किसकी बात की अपने बेटा, एस ऑर्बिटल की बेटा, क्लियर? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो बेटा मिटा दे। तो ये तो अपने बात की बेटा किसकी, एस ऑर्बिटल के बारे में, यानी एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कैसे करना है। ओके, चलो बेटा अब बात करते हैं नंबर टू, नंबर टू पे बात करते हैं बेटा, कौन सा, पी ऑर्बिटल, पी कक्षक, पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो कैसे करना है, क्या करना, सबसे पहली बात पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, पी ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में। अरे सीधी सी बात है, पी ऑर्बिटल क्यों, पी ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, पी सबसेल में, क्लियर? पी सबसेल में होते हैं, और पी सबसेल में कितने पी ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 3p ऑर्बिटल होते हैं, और 3p ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, px, py और pz, yes or no? अरे तीन टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं, नहीं होते, होते हैं, आपको याद है लास्ट लेक्चर में अपने बात की थी, इनको ये नाम देने का रीजन क्या है, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, उसी एक्स के सापेक्ष उसे नाम दिया जाता है, px x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, py y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, pz z एक्सिस के रेस्पेक्ट में, क्लियर? इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, ये कैसे होंगे, हमें पता पर्टिकुलर एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में होंगे तो ये स्फेरिकल तो नहीं होंगे, क्योंकि स्फेयर तो हर एक्सिस पर इक्वल होता है, लेकिन ये क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस पर या वाई पर या फिर जेड पर होता है, तो क्या कहेंगे, और इनकी शेप कैसे होती है, आपको याद है बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, कैसे होते हैं ये, डम्बल शेप्ड होते हैं, क्लियर? डम्बल शेप्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। क्यों मैं डायरेक्शनल क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान है ना, क्योंकि इनकी फिक्स डायरेक्शन होती है क्या, या तो एक्स एक्सिस पर या फिर क्या वाई पर या फिर जेड पर। समझ में आ गया, क्लियर? इसका मतलब अगर हम इनका डायग्राम बनाएं बच्चों तो समझना, जैसे इनका डायग्राम अपन कैसे बना सकते हैं, तीन टाइप के ऑर्बिटल हमारे पास है, कौन कौन से, px, py और pz। अगर इनके डायग्राम की बात करें बच्चों तो देखो कैसे, ये जैसे मान लो मैं px के लिए बनाऊं, ये py के लिए बनाऊं, और ये मैं बनाऊं pz के लिए। ओके, ठीक है, ये मान लो बच्चों क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली क्या है बच्चों, ये वाली मान लो जेड एक्सिस है। क्लियर? बच्चा कहेगा सर इसमें जेड वाली क्यों नहीं बनाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा, बच्चा कहेगा सर इसमें जेड वाली क्यों नहीं बनाई, इसमें जरूरत नहीं है। तो कैसे, पी एक्स, इसे ये नाम क्यों दिया बेटा, इसे ये नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा वो कौन सी एक्स पर होगा, एक्स एक्स पर होगा। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा कौन सी एक्स पर होगा, एक्स एक्स पर होगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। पीवाई, पीवाई की बात करें, अपन ने क्या कहा था, अरे डंबल शेप होते हैं, डंबल के आकार के होते हैं, ध्यान है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस पर। इसमें कहां होगा बेटा, इसमें वाई एक्सिस पर। क्लियर? और पीजेड वाले में कहां होता है, जेड एक्सिस पर होता है। यस और नो, ये होती है बेटा इनकी शेप, यानी कैसा होता है, क्या होता है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा अब बात करें तो क्या करेंगे, अगर साइज और एनर्जी की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँ, साइज एंड एनर्जी, क्या कहा, साइज और एनर्जी की बात करें तो अलग अलग सेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो आपसे बोले 2p 3p या फिर 4p या फिर 5p, तो क्या होगा, n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ साइज और एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें क्या इनके लिए नोडल सरफेस और नोडल प्लेन और टोटल नोड का नंबर क्या होता है, तो वो अपन कैसे कह सकते हैं बेटा, नोडल सरफेस, नोडल सरफेस मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। यस और नो? पी के लिए बात करें तो हमें पता है पी ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में, और पी सबसेल में होते हैं तो क्या करेंगे, इनके लिए बेटा क्या हो जाएगी, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एस पी सेकेंड नंबर पे आता है 0 1, अरे 1 होती ही नहीं होती, तो क्या करेंगे बेटा, एन माइनस 1-1। यस और नो? तो क्या आ जाएगा, n-2 आ जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? क्लियर? ठीक है। अगर हम बोले बेटा क्या, नोडल प्लेन, किसकी बात कर रहे हैं, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन क्या होता है, एल के इक्वल, और इनके लिए क्या होता है, एल, एल की वैल्यू कितनी होती है, एस पी, हमें पता है एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। एक बात तो श्योर है कि हर पी ऑर्बिटल में बेटा क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा, लेकिन वो नोडल प्लेन होगा कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। कैसे, जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, ये तो है अपना ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, और ये मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, नोडल प्लेन, यानी इसका नोडल प्लेन। तो ऑर्बिटल हमें पता है 3 टाइप के हो गए, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। बात समझ में आई क्या, इसका नोडल प्लेन क्या होगा, इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, फिर ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन समझना क्या होता है नोडल प्लेन। मैंने क्या कहा, प्लेन कैसे बनाना है, दो एक्सिस को मिलाकर क्या करो, एक ऐसे बड़ा प्लेन बना दो बेटा जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, उसे क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। तो मैंने क्या कहा, यानी प्लेन बनाना है दो एक्सिस को मिलाकर, लेकिन वो दो एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। क्लियर? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो px, मैंने क्या कहा, देखो ये रहा px, px की बात करें, x एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब नोडल प्लेन की फॉर्म में x एक्सिस को तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता उन एक्सिस को यूज करके प्लेन बनाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? तो क्या कहा, x एक्सिस को तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी तो ये लोग है, आ गया समझ में, ये लोग है, तो क्या करेंगे, x एक्सिस को तो यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब दो एक्सिस कौन सी बच गई, y और z। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अच्छे से समझना बेटा, देखो x एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऊपर वाली कौन सी है, y एक्सिस, और ये जो मार्कर है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? तो क्या करूंगा, y और z को मिलाकर, y और z को मिलाकर ऐसा प्लेन बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। यस और नो? अरे मैंने क्या कहा, समझ में आया, दो प्लेन को अगर क्या करें, दो एक्सिस को मिला देंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। बात समझ में आई क्या, अगर नोडल प्लेन बनाना है तो क्या करना, वो दो एक्सिस हमें यूज करनी है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। क्लियर? px में x एक्सिस पर तो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, x एक्सिस पर तो प्रेजेंट है, इसका मतलब है y और z क्या है, अरे वैकेंट है या नहीं है, खाली है या नहीं है। तो जैसे मान लो ये वाली x एक्सिस है, ऊपर वाली y है, सामने वाली क्या है, z है, तो मैं क्या करूंगा, y और z को मिलाकर एक ऐसा प्लेन बनाऊंगा जहां पर हमें पता है दोनों ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, इसका मतलब y और z को मिलकर एक प्लेन बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका नोडल प्लेन क्या, YZ। समझ में आ गया? क्लियर?
अब बात करते हैं किसकी, py की। py की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, y एक्सिस पर तो है, इसका मतलब फ्री कौन सी है, x एक्सिस भी फ्री है और z भी फ्री है। तो x और z को मिलाकर एक प्लेन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे, ये वाली x एक्सिस है, ऊपर वाली y है और सामने वाली क्या है, z है, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, y पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाकी दो कौन सी बच गई, z और x। तो ऐसा कोई प्लेन बनाऊं, ऐसा कोई प्लेन बनाऊं, हमें पता है उसमें y और z दोनों इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, सॉरी y पर तो है, x और z दोनों इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, यस और नो। अरे बात समझ में आ रही है ना, तो x और z क्या होगा, इसका नोडल प्लेन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y पर तो है तो कौन सा बच गया, z x या x z, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, तीसरे में क्या बोला है बेटा, PZ बोला है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, Z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बाकी कहां बच गया, X और Y फ्री है या नहीं है, X और Y इनको मिलाकर एक प्लेन बना दो बेटा। कैसे, देखो मान लो ये x एक्सिस है, ऊपर वाली y है और ये जो परपेंडिकुलर है बोर्ड पे, मान लो ये मार्कर है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, z को। तो z पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको तो यूज नहीं करेंगे, तो बाकी दो कौन सी बच गई बेटा, बाकी दो कौन सी है, x और y। मैंने क्या कहा, z पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो x और y को मिलाकर, देखो x और y को मिलाकर एक प्लेन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, जो z से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यस और नो, क्लियर। इसका मतलब इसके नोडल प्लेन कौन से बेटा, x और y, समझ में गया कैसे, किया यस और नो, ये अच्छे से समझ लेना, क्लियर। लेकिन ये समझने का तरीका था खाली, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि डायग्राम बना बना के देखे, इस पर तो है बाकी दो पे बच गए, तो ऐसा प्लेन काटेंगे, वैसा काटेंगे, वैसा काटेंगे, डायरेक्टली सेकंडों में अगर आंसर देना है तो क्या करेंगे बेटा, सुनना अच्छे से, देखो दिमाग में कैसे सेट रखना, px का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, x एक्सिस पर तो प्रेजेंट है, और हम नोडल प्लेन में उसको यूज करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, x एक्सिस पर तो प्रेजेंट है, बाकी कौन बच गई, yz, वो फ्री है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, yz क्या हो जाएगा इसका, नोडल प्लेन, काम खत्म, क्लियर। py इसका मतलब क्या है, y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो x और z फ्री है या नहीं है, उनको मिलाकर नोडल प्लेन बना दो, xz या zx, क्लियर। ठीक है, pz का मतलब क्या है, z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो फ्री कौन सी बच गई, x और y फ्री है, उसको मिलाकर नोडल प्लेन बना दो, xy, काम खत्म, क्लियर। और भी अगर याद रखना हो तो क्या, जो यूज हो रही है उसके अलावा जो दो एक्सिस बच गई उनको मिला के नोडल प्लेन बना देना। क्या कहा बच्चों, जो नाम में आ रहा है उसके अलावा जो दो एक्सिस बच गई एक्स वाई जेड में से उनको मिलाकर नोडल प्लेन बना देना। कैसे, पी एक्स, एक्स यूज हो रही है, वाई जेड बच गई, वो नोडल प्लेन, काम खत्म। पी वाई, वाई यूज हो रही है, एक्स जेड बच गया, नोडल प्लेन, काम खत्म। पी जेड, जेड यूज हो रही है, एक्स वाई बच गया, वो नोडल प्लेन, काम खत्म। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, देखो अब बात करें टोटल नोड्स की, अगर मैं बात करूं तो टोटल नोड हमें पता है बेटा इन दोनों का सम होगा या नहीं होगा, अरे होगा। तो देखो बेटा नोडल सरफेस हमारे पास कितने आए, n-2, और हमें पता है नोडल प्लेन का नंबर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे, +1, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, n-1 क्या हो जाएगा, इसके लिए टोटल नोड हो जाएंगे। समझ में आया कैसे, किया यस और नो, को डाउट है तो बताओ बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड बेटा, चलो अरे यहां तक बात ठीक है ना, अरे आगे बढ़े गया। तो ये अपने किसकी बात की बेटा, पी ऑर्बिटल के बारे में बात की है, किसके बारे में बात की है, पी ऑर्बिटल के बारे में, कि पी ऑर्बिटल कैसा होता है, शेप कैसी होती है, साइज या एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, और ये इसकी क्या होगा, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, टोटल नोड, ये सब कितने होते हैं, क्या होते हैं, सीधा टिक लगाना है, लेकिन रट के करोगे तो श्योर गलती करनी है बेटा, ओके, समझ गए अच्छे से करना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नंबर थ्री में क्या आएंगे, डी ऑर्बिटल पे आएंगे बेटा, ओके, डी ऑर्बिटल।
कॉमन सेंस है बेटा, हमें पता है डी ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होता है। डी ऑर्बिटल होता है बेटा डी सबसेल में, यस और नो? अरे जो डी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल पाए जाएंगे, डी उपकोष के अंदर कक्षक पाए जाते हैं, उन्हीं को तो क्या कहते हैं, डी कक्षक कहते हैं, यस और नो? और हमें पता हर डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5d ऑर्बिटल होते हैं, यस और नो? याद है ना? और वो 5 कौन कौन से होते हैं बेटा, ये तो आपको ध्यान है कौन कौन से होते हैं। 5 का जैसे नाम लिखा था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर क्या लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यस और नो? अरे 5d ऑर्बिटल होते हैं, नहीं होते? होते हैं बेटा। ओके ठीक है बेटा, अब क्या कहेंगे नॉर्मली, हम क्या कहते हैं नॉर्मली, एक नाम आता है कि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, बाई डम्बल शेप होते हैं, यस और नो? द्विडम्बलाकार बोलते हैं। द्विडम्बलाकार क्यों बोलते हैं, इनमें 4 लोब होती है, 4 लोब होती है, लोब जैसे वो इलेक्ट्रॉन वाली लोब है ना, इनको बोलते हैं बेटा आर्म या लोब, यानी भुजा या पालिया। ओके ठीक है, एक्चुअल में बोला जाता है कि ये 4 लोब्ड है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ये ध्यान रखना बेटा, स्टार्टिंग के जो मैंने 4 लिखे हैं, स्टार्टिंग के जो 4 लिखे बेटा, वो तो क्या होते हैं 4 लोब्ड होते हैं। क्या कहा, 4 लोब्ड होते हैं, और 4 लोब्ड होते हैं तो इनकी शेप कैसे होती है, बाई डम्बल शेप। क्या बोलते हैं बेटा, बाई डम्बल शेप्ड, यानी द्विडम्बलाकार होते हैं ये, तो क्लियर। जबकि ये क्या होता है, ये ओनली 2 लोब्ड होता है बेटा, इसमें क्या होता है 2 ही लोब्ड होती है, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये बाई डम्बल शेप है क्या, नहीं, ये क्या होता है बेटा डिफरेंट शेप होता है, यानी डिफरेंट शेप्ड। अब बच्चा कहेगा सर अगर इसमें 2 ही लोब्ड है तो इसे बाई डम्बल शेप क्यों नहीं बोला, बाई डम्बल शेप तो चलो नहीं बोल सकते, तो ओनली डम्बल शेप बोल देते। ओनली डम्बल शेप भी इसलिए नहीं बोल सकते, जैसे पी वाला होता है, पी में होता है ना बेटा 2 ही लोब होती है, 2 ही पालियां होती है, तो उसको डम्बल शेप बोलते हैं, डम्बल का आकार बोलते हैं, लेकिन इसे तो वो भी नहीं बोल सकते। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, डायग्राम जब अपन बनाएंगे तो आप देखोगे एक क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज रिंग होती है। मैंने क्या कहा, इसमें एक नेगेटिव चार्ज रिंग प्रेजेंट होगी बेटा, समझ में आ गया, क्लियर? वो कैसे होती है, क्यों होती है बच्चों, अभी इसका डायग्राम बनाऊंगा, फिर इस बात को अपन समझेंगे अच्छे से कैसे करना है, क्या करना है बेटा। ओके अपने क्या कहा, देखो बच्चों अगर इनका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं, 5d ऑर्बिटल्स है, मैंने क्या कहा 5d ऑर्बिटल्स है, 5 के 5 अगर हम डायग्राम बना के इस बात को समझे तो समझना बेटा कैसे करना है, क्या करना है अच्छे से समझना। 3 ये 4 और ये क्या है बेटा 5, क्लियर? अब देखो बेटा हमें पता 5 है, 5 का डायग्राम बनाऊं तो क्या लिखेंगे, पहला कौन सा डी एक्स वाई, ये बेटा डी वाई जेड, ये क्या है डी जेड एक्स, और ये है मान लो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है बच्चों डी जेड स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, क्लियर? ठीक है, डी एक्स वाई एक बात तो श्योर है, इसमें कितनी होगी 4 लोब होगी, क्लियर 4 लोब होगी, लेकिन मैंने क्या कहा था जिन एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, क्लियर? इसको डी एक्स वाई क्यों बोलते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा, ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा, न एक्स पर होगा न वाई पर होगा, दोनों के बीच में होता है, यस और नो? क्लियर? ठीक है, इसको वाई जेड नाम क्यों देते हैं, ये जैसे मान लो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बच्चा कहेगा सर ये वाई ये जेड कैसे हुआ, अरे कोई सी भी मान लो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगी, लंबवत होगी, 90 डिग्री पर ही होगी बेटा। ओके जेड वाली बोर्ड के सामने होगी, उसको दिखा नहीं सकते, इस वजह से इसको मैंने जेड मान लिया, इसको वाई मान लिया, क्लियर? लेकिन अगर वाई जेड है, वाई जेड है, तो इसकी जो लोब होती है बेटा वो क्या होगा, ना वाई पर होगी ना जेड पर होगी, दोनों के बीच में होगी, क्लियर? ठीक है, जेड एक्स है तो ये एक्स है, तो इसको मैं जेड मान लूं, तो डी जेड एक्स का मतलब क्या है, इसमें जो लोब होगी, पालिया होगी, वो क्या होगी, एक्स और जेड दोनों के बीच में होगी, क्लियर? ठीक है बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्चुअल में कैसे होता है बेटा, यानी एक्चुअल में क्या, दोनों के बीच में ना होकर क्या, एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर होती है, यानी इसकी दोनों लोब क्या होगी, ऐसे होगी, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाई वाली दोनों लोब भी क्या होगी, वाई एक्सिस के ऊपर, और ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, क्लियर? ठीक है, डी जेड वाली अगर मैं बात करूँ बेटा, तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो क्या, इनके परपेंडिकुलर
कौन सी होगी, जेड एक्सिस है, तो इसमें क्या होगा, ओनली मैंने क्या कहा, इसमें फोर लोब तो नहीं होती, ओनली टू ही लोब होती है, एक लोब ये एक लोब ये बेटा, क्लियर। और वो कहाँ होगी, जेड एक्सिस के ऊपर होती है। लेकिन मैंने क्या कहा था, बच्चा कहेगा सर ऐसे तो पी वाला भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा, इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज रिंग होती है। क्या कहा, ये क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज रिंग, नेगेटिव चार्ज रिंग यानी ऋण आवेशित वलय। और ये जो रिंग होती है ध्यान रखना, वो कौन सी होती है, एक्स वाई प्लेन में होती है, यानी एक्स वाई तल में होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा ऐसे, जैसे सपोज करो ये, जैसे मान लो डी जेड वाली बात करिए, तो ये मार्कर तो क्या कर रहा है, इसकी लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे मार्कर है वो तो मान लो क्या कर रहा है, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन यानी इन लोब पालियों की बात कर रहा है, क्लियर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या, इसके चारों तरफ जैसे ये रिंग है बेटा, ये क्या कर रही है, एक्स वाई प्लेन में नेगेटिव चार्ज रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ऋण आवेशित वलय को। एक्चुअल में रिंग होती किसकी, अरे सीधी सी बात है, होती तो इलेक्ट्रॉन की ही है, तो इसमें तो क्या होता है, जेड इस पर तो ये लोब की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होगा, और एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे बात समझ में आई क्या। और नेगेटिव चार्ज रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिंग किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की ही होती है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। इस नेगेटिव चार्ज रिंग की वजह से क्या होता है, ये पी ऑर्बिटल से डिफरेंट होता है, बाकी ऐसे ओनली ये लोब तो पी ऑर्बिटल में भी होती है, आ गया समझ में, लेकिन पी में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रिंग नहीं होगी, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अगर अपन बात करें तो बच्चों देखो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, ये क्या होती है, लोब होती है बेटा, बात समझ में आई क्या, पालिया होती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पालिया, ना कि बालिया, यानी लोब या फिर पाली, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो और इस पर देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, ये जो होते हैं स्टार्टिंग के तीन, इनको बोला जाता है बेटा नॉन एक्सियल, क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल इसलिए बोला जाता है, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, निरक्षीय, क्या बोलेंगे देख लेना, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, क्योंकि इनमें जो लोब होती है वो क्या होती है, एक्स वाई या जेड एक्सिस के ऊपर होती है क्या, नहीं बच्चों, यानी एक्सिस के ऊपर तो नहीं होती, तो ये ध्यान रखना, ये कैसे होगी, 45 डिग्री एंगल, कैसे होगी बेटा, 45 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्सिस, यानी एक्सिस से कितने एंगल पर होती है, 45 डिग्री के कोण पर होती है, ये ध्यान रखना, ओके, कैसे, अरे एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दोनों के, जैसे मान लो ये एक्स है ये वाई है, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 का है, 90 डिग्री का है, तो ये जो लोब होगी दोनों के बीच में तो है, तो ऐसा नहीं कि एक्स की तरफ ज्यादा या वाई की तरफ ज्यादा होगी, नहीं, दोनों के एग्जैक्ट बीच में होगी, तो 90 डिग्री में एग्जैक्ट अगर बीच में बात करें तो हमें पता है इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री, समझ में आ गया, क्लियर। जबकि इसमें जो होता है, इसमें ये बताओ बेटा जो लोब होती है एक्सिस के ऊपर है या नहीं है, एक्सिस के ऊपर है बेटा, तो ये क्या होगी, इनको बोला जाता है एक्सियल बोला जाता है, समझ में आया कैसे क्या, यस और नो, और यहां तक को डाउट क्लियर है बेटा, ठीक है। और आपसे बात करें जैसे साइज और एनर्जी का ऑर्डर पूछे, क्या आपसे बोले साइज एंड एनर्जी अलग अलग डी ऑर्बिटल आपसे दे और बोले साइज और एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, जैसे बोले 3D 4D 5D 6D ऐसे बोला जाए, तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी। बच्चा कहेगा सर एनर्जी कैसे बढ़ेगी, इसके बाद पढ़ेंगे बेटा एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको याद भी होगा लास्ट लेक्चर में कहा था एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एन प्लस एल, अरे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान है ना, ये जो नंबर होता है एन का ही तो होता है, 3, 4, 5, 6 है, जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, साइज और एनर्जी दोनों बढ़ती जाती है, क्लियर, तो ये साइज और एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। अरे यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, यहां तक कोई डाउट है, चलो बेटा बोर्ड पे जगह कम है कुछ मिटाना पड़ेगा, यहां तक नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, दूरदृष्टि। देखो एक बच्चे का मैसेज आया, एक सर
क्या सुना है कि सर एक्सिस पर क्यों नहीं होते? तो मैंने क्या कहा बेटा, एक्सिस पर क्यों नहीं होते, ये तो तब कहते जब हम अपनी तरफ से बनाते हैं या साइंटिस्ट अपनी तरफ से बनाते हैं। मैंने क्या कहा, एक्सिस पर क्यों नहीं होते, एक्सिस पर बना सकते थे वो तो कब, जब अपनी तरफ से बनाते, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या इनकी पोजिशन होती है, यानी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया क्या ये एक्सिस के ऊपर ना होकर एक्सिस के बीच में होते हैं, तो नेचुरली इनकी एक्जिस्टेंस यही होती है। क्लियर? फिर बच्चा कहे सर क्या एक्सिस के ऊपर, तो मैंने क्या कहा यानी एक्चुअल में क्या है, दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए भी क्या होता है, ये दूर दूर प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्लियर? और ये मैंने क्या कहा, साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से नहीं बताया कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, ये सब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है बेटा, आ गया समझ में? तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है तो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये अपने क्या कहा यानी कैसे होता क्या होता, स्क्रीनशॉट ले लिया? क्लियर? चलो बेटा अब बात करते हैं इनमें क्या कहेंगे, वही नोडल प्लेन और नोडल सरफेस की अगर बात करें तो हमें कैसे आंसर देना है, क्या आंसर देना है बेटा, क्या कहा, नोडल प्लेन और नोडल सरफेस, अच्छे से समझना बच्चों कैसे करना है क्या करना। मैंने एक एक चीज आपको बताई है, नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है, नोडल सरफेस का मतलब क्या होता है, तो क्या कहेंगे अगर मैं बात करूं नोडल सरफेस की, क्या कहा अगर हम बात करें बेटा किसकी, नोडल सरफेस की, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, यस और नो? तो हमें पता है बच्चों n की वैल्यू तो जो भी है अलग अलग होगी, एस पी डी, डी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये बताओ d के लिए l फिक्स है या नहीं है, एस पी डी थर्ड नंबर पे आता है 0 1 2, इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस आगे क्या है 1, तो मेरे पास क्या बच गया n माइनस 3, यस और नो? ये किसकी वैल्यू है, नोडल सरफेस की। क्लियर? चलो बेटा अब बात करें क्या नोडल प्लेन, तो मैंने क्या कहा नोडल प्लेन का नंबर क्या होता है बेटा, यानी नोडल प्लेन अपन कैसे डिसाइड करते हैं, किसके इक्वल, एल की वैल्यू के इक्वल, एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो नोडल प्लेन भी क्या होंगे 2 होंगे बेटा, ओके? लेकिन एक्चुअल में 2 कौन कौन से होंगे इस बात को समझना, ये मैं क्या बना रहा हूं, ऑर्बिटल बना रहा हूं, क्लियर? और ये क्या बना रहा हूं बेटा, इनके नोडल, नोडल प्लेन, यानी इसमें कौन कौन से होंगे, क्लियर? अपन किसकी बात करें बेटा, मैंने डायग्राम इसलिए नहीं मिटाए हैं, इनके अकॉर्डिंग ही समझ के इनके नोडल प्लेन लिखेंगे, ओके? ठीक है बेटा, कैसे ऑर्बिटल हमने कौन कौन से लिखे हैं, एक तो हमने लिखा है डी एक्स वाई, एक क्या लिखा है डी वाई जेड, एक क्या लिखा है बेटा डी जेड एक्स, एक क्या लिखा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक क्या लिखा है डी जेड स्क्वायर, यस और नो? अरे बात समझ में आई क्या, ये अपनी क्या है ऑर्बिटल है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे इनके नोडल प्लेन डिसाइड करने हैं, तो तरीका वही है, नोडल प्लेन, प्लेन मतलब दो एक्सिस को मिलाकर बनाना, क्लियर? प्लेन मतलब क्या, दो एक्सिस को मिलाकर बनाना, और दो एक्सिस वो लेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, क्लियर? देखो बेटा कैसे, यहां बात करें ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है वाई एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर जो होगी, मार्कर देखो बेटा कैसे सामने है यानी बोर्ड के, इसका मतलब परपेंडिकुलर लंबवत है, ये कौन सी है जेड है बेटा, इसका मतलब दो एक्सिस को मिलाकर ऐसा कोई प्लेन बनाऊं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, तो एक तो मैं क्या कर सकता हूं, अरे जेड को एक्स से मिलाकर इसे बीच में से काट सकता हूं, नहीं काट सकता हूं, यस और नो? अरे दोनों लोब के बीच में देखो बेटा, दोनों लोब के बीच में क्या, अरे थिन पतली लाइन क्यों होती है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होती है, समझ में आ गया? क्लियर? तो मैंने क्या कहा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सामने वाली क्या है z एक्सिस, तो z को एक तो मैं क्या बना सकता हूं, x से मिलाकर, क्या कहा, x और z को मिलाकर एक प्लेन बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, एक तो ऐसे काट सकता हूं बेटा, समझ में आ गया? एक तो ये हो गया, एक बच्चों z को मैं क्या कर सकता हूं, y से मिलाऊं, तो देखो z को y से मिलाकर ऐसे कोई प्लेन काट सकता हूं या नहीं काट सकता हूं, यस और नो? इसका मतलब क्या होगा, y और z, समझ में आया बेटा? क्लियर? तो इसके दो नोडल प्लेन कौन से हो गए, एक तो मैंने क्या कहा ZX एंड YZ, yes or no? अरे कैसे आया, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, दूसरा देखो DYZ, इसकी शेप हमें पता है बेटा ऐसे होता है, क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये Y है, Z है, तो सामने वाला जो मार्कर है बेटा परपेंडिकुलर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, X को, इसका मतलब क्या, दो एक्सिस को मिलाकर प्लेन बना दो, यानी आर पार बीच में से काट दो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, तो एक तो देखो एक्स को किससे मिलाऊंगा, वाई से, यस और नो? अरे एक्स सामने वाला है और वाई क्या है बच्चों, इस साइड वाला है। बच्चों देखो कैसे, मार्कर से समझना इस बात को, बच्चों देखो एक्चुअल में पोजिशन कैसे होती है, इस टाइप से होती है बेटा, देखो मार्कर की पोजिशन देखना, ये तीन मार्कर मैंने यूज किए, ब्लैक, रेड और ब्लू, ऐसे समझना बेटा। देखो ये जो
ब्लैक वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, किसको, वाई को, और रेड वाला किसको, जेड को, और ये ब्लू वाला ये किसको कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं प्लेन कौन सा बना सकता हूं बेटा, एक्स और वाई को मिलाते हुए। देखो इन दोनों को मिलाकर ऐसा कोई प्लेन काटेंगे नहीं काटेंगे। मैंने क्या कहा, दो एक्सिस को मिला के आर पार काट देना, यस और नो। तो क्या करेंगे, ये वाला मैंने कहा वाई था, सामने वाला ब्लू है, वो कौन सा है, एक्स है बेटा। तो x और y को मिला के एक प्लेन ऐसा काटेंगे नहीं काटेंगे, अरे बीच में से कटेगा नहीं कटेगा, एक तो ये प्लेन हो गया। क्लियर? अब कौन सा काटूंगा, ऐसे था x y z, ये वाला z है, तो क्या करूंगा, z और y को मिलाते हुए काटूंगा, तो वो भी बीच के पॉइंट से पास होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x है ये y है, तो एक तो कौन सा हो गया, x y प्लेन, ये ऊपर वाला z है, ये कौन सा है, y है, तो क्या हो जाएगा, y z। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, यस और नो। तो क्या कहेंगे बेटा, इसके रेस्पेक्ट में बात करिए y और z के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक तो कौन सा हो गया, xy, और कौन सा हो गया, xz। समझ में आ गया कैसे किया, क्लियर, यस और नो। चलो बेटा फिर बात करें अगला कौन सा है, डी जेड एक्स, ये एक्स है ये वाई है, तो देखो ये एक्स है ये जेड है, तो सामने वाला कौन सा, वाई हो गया। तो एक प्लेन तो मैं कौन सा बना सकता हूँ बेटा, वाई और एक्स को मिलाते हुए ऐसे आर पार, यस और नो। अरे आर पार काट सकता हूँ वाई और एक्स को मिलाते हुए, तो एक तो कौन सा हो गया, एक्स वाई। क्लियर? और एक क्या करेंगे, वाई को जेड से मिलाकर बेटा देखो ऐसे आर पार काट सकते नहीं काट सकते, तो ये क्या हो गया, वाई जेड। समझ में आ गया कैसे किया, तो एक प्लेन कौन सा लिखेंगे, एक्स वाई एंड वाई जेड। समझ में आ गया कैसे किया, वाई को एक बार एक्स से मिला दिया एक बार जेड से मिला दिया, तो एक्स वाई और वाई जेड। क्लियर? ठीक है बेटा, इन दो की बात करिए, नॉर्मली आपको कई जगह लिखा आएगा नोडल प्लेन, इसमें ये होता वो होता वो होता, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों की बात करिए नोडल प्लेन का नंबर क्या, जीरो। ध्यान रखना बेटा, गलती करवा देगा, क्यों, नोडल प्लेन, प्लेन मतलब दो एक्सिस को मिलाकर बनाना, लेकिन वो एक्सिस काम में लेनी है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो। क्लियर? इसमें अगर बात करें इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा, हमें पता है एक्स और वाई दोनों के ऊपर होता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो है क्या, नहीं। और जब तक इन दोनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, प्लेन बनाने में यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फ्री कौन सी बच गई, ओनली जेड वाली, और एक एक्सिस से हमें पता है प्लेन बनता है क्या, नहीं, एक लाइन बनती है बेटा। ओके, क्या बनती है, एक लाइन बनती है बेटा। ध्यान रखना ये एक्सिस और प्लेन है बेटा, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इजी वे में समझना, सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बहुत काम आता है। कैसे, जैसे मान लो कोई बच्चा अपनी दूरदृष्टि है बेटा, सपोज करो दूरदृष्टि को क्या करें, अगर हम दूरदृष्टि को गोली मार दे बेटा, क्या कहा, अरे गोली मार देंगे तो क्या होगा, वो गोली आर पार होगी नहीं होगी, बुलेट, याद है ना, गोली आर पार होगी तो क्या होगा, अब वो कहेगी सर मैं बीच में रोक लूंगी, वो बात अलग है, तो रजनीकांत नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा, अगर दूरदृष्टि को गोली मार दे तो गोली क्या होगी, आर पार होगी नहीं होगी, एक लाइन में जाएगी बेटा, वो तो क्या होती है, लाइन। समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, एक्सिस। क्लियर? ठीक है, प्लेन, प्लेन मतलब क्या बेटा, दूरदृष्टि को बीच में से काट दे तलवार से, तो वो क्या हो जाएगा, आर पार कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी, यानी क्या, आर पार काट देना, वो क्या होता है बेटा, प्लेन। समझ में आ गया, और इसके लिए दो एक्सिस यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो ध्यान रखना लाइन और प्लेन इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, प्लेन हमें बनाना है तो दो एक्सिस को मिलाना है। क्लियर? लाइन बोले तो एक ही एक्सिस, गोली वाला केस बेटा। समझ में आ गया? लेकिन प्लेन बोले दो एक्सिस को, तलवार वाला केस बेटा, आर पार काट देना। समझ में आ गया? क्लियर? तो मैंने क्या कहा, ये x है ये क्या है बेटा, y है, तो इनके रेस्पेक्ट में तो हमने देखा, लेकिन इसकी बात करिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, y पर है, जेड फ्री है या नहीं है, जेड फ्री है, यानी एक ही एक्सिस फ्री है, और एक एक्सिस से कभी प्लेन बनेगा क्या, नहीं, तो जीरो बोलते हैं। इसकी बात करिए, बच्चा कहेगा सर जेड पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लोब की फॉर्म में है, लेकिन एक्स वाई पर तो लोब नहीं है, एक्स वाई पर लोब तो नहीं है, लेकिन हमें पता है नेगेटिव चार्ज रिंग की फॉर्म में, अरे रिंग की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अब्सेंट ये जरूरी है, ना कि रिंग की फॉर्म में या लोब की फॉर्म में। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या, जेड एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन लोब की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्स और वाई पर लोब तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था, जैसे ये वाला केस, रिंग वाला केस आपको बताया था, ये मार्कर है, ये जेड वाली लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिंग है, ये क्या करेगी, एक्स वाई प्लेन में ऐसे होगी। समझ में आ गया? तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन तो है ना, और जब तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें पता है अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो बता सकते हैं क्या, यानी नोडल प्लेन बता सकते हैं क्या, नहीं, तो इन दोनों में नोडल प्लेन क्या होंगे, जीरो होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? अब याद रखने का तरीका, मैंने क्या कहा,
एग्जाम में तो हमें सेकंडों में आंसर चाहिए बेटा, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना बना के वही बात, कभी गोली मार के कभी तलवार से काट के ऐसे तो प्लेन बना नहीं सकते, नैनो सेकंडों में कैसे आंसर देना है समझना बेटा। देखो डी एक्स वाई यानी इसके नाम में कौन कौन सी एक्सिस यूज हो रही है, एक्स और वाई, अरे एक्स और वाई यूज हो रही नहीं हो रही, कौन सी बच गई, जेड, जेड को दोनों से मिला दो, एक्स जेड वाई जेड, काम खत्म, समझ में आ गया, एक्स जेड और वाई जेड, क्लियर, ठीक है। डी वाई जेड यानी इसके फॉर्मेशन में कौन सी एक्सिस यूज हुई, वाई और जेड, वाई और जेड यूज हो गई, कौन सी बच गई, एक्स, एक्स को वन बाई वन दोनों से मिला दो, एक्स वाई और एक्स जेड, काम खत्म, एक्स वाई और एक्स जेड, क्लियर, ठीक है बेटा। इसमें देखो डी जेड एक्स फ्री कौन सी है, वाई, वाई को वन बाई वन दोनों से मिला दो, क्या करेंगे, वाई जेड और एक्स वाई, वाई जेड और एक्स वाई, काम खत्म, समझ में आया बेटा, यस और नो, तो कैसे बताना है और कैसे करना है, क्लियर। अगर हम बात करें बेटा इनके लिए टोटल नोड्स की, तो क्या करेंगे, टोटल नोड्स बेटा हमें पता है दोनों का सम कर दो, तो क्या करेंगे, टोटल नोड्स क्या होता है, एन माइनस वन ही आ जाएगा। देखो इसका नंबर कितना है बच्चों, देखो नोडल सरफेस कितने आ रहे हैं, n माइनस थ्री, और ये कितना आ रहा है बेटा, टू के इक्वल, तो फाइनली इसको क्या आ जाएगा, n माइनस से, इसके अकॉर्डिंग करें तो n माइनस थ्री, और क्या करेंगे, दोनों का सम करना, l की वैल्यू कितनी होती है, टू, तो क्या करेंगे, l माइनस थ्री, और क्या करना है, प्लस टू करना है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या, दोनों का टोटल सम आ जाएगा हमारे पास फाइनली, क्या करेंगे, n माइनस वन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल नोड का नंबर। तो कहने का मतलब क्या बेटा, कैसे करना है, क्या करना, समझ में आ गया, ठीक है। एल की वैल्यू पुट करी ना अपन ने, यानी एल के अकॉर्डिंग करें तो क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन, और इसके अकॉर्डिंग नोडल सरफेस, कैसे किया, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट, अरे कैसे क्या समझ में आया, चलो बेटा आगे बढ़े, यस और नो, तो ये ध्यान रखना बेटा, डी ऑर्बिटल वाला कैसे हमसे गलती करवा सकता है, कैसे करना है ये ध्यान रखना, ओके, एन माइनस वन, एक ही बेटा माइनस करना है, तो कैसे हमसे गलती करवा सकता है, कैसे करना है, डायग्राम बना के हो चाहे ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करना हो, हर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है क्या करना है, क्लियर। रटोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, अच्छे से समझ समझ के करना है। चलो ये अपने बात की बेटा, किसकी, डी ऑर्बिटल के बारे में, क्लियर। चलो बेटा एक बात करें बेटा, किसकी, नंबर फोर पे क्या बच गया, एफ ऑर्बिटल, ठीक है, यानी एस पी डी एफ। इसमें बेटा ज्यादा तो नहीं पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन बनेगा क्या पी और डी के बारे में, क्लियर, लेकिन एफ क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक दो पॉइंट इसके ध्यान रखना, इसमें डायग्राम बना बना के टाइम पास की जरूरत नहीं है, क्लियर। एफ ऑर्बिटल सीधी सी बात है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, F सबसेल में, क्लियर, और F सबसेल में कितने F ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं, और वो 7 कौन कौन से होते हैं, एफ एक्स की पावर 3, एफ वाई 3, एफ जेड 3, और क्या होता है, एफ एक्स वाई जेड, और कौन होते हैं बेटा, एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या होता है बच्चों, एफ वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर, और क्या होते हैं, एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनको ये नाम देने का रीज़न क्या है, मैंने क्या कहा था, जिस एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है बेटा, क्लियर। देखो बेटा क्या कहेंगे, याद रखना, एफ एक्स, देखो इसमें क्या होता है, अपने कहा था डिफ्यूज शेप होता है, बिखरा हुआ होता है तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई जेड यानी तीन तीन की टर्म में आएगा, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, फिर एक्स वाई जेड कर दो, एक्स को कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर दो, वाई को कॉमन ले लो तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जेड को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बच गया, एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर, ठीक है बेटा। और ये कैसे होते हैं, डिफ्यूज शेप होते हैं, क्या कहा, डिफ्यूज्ड, और इनको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स शेप, क्या कहा, डिफ्यूज शेप और कॉम्प्लेक्स शेप्ड होते हैं, क्लियर। और ये क्या होते हैं, एट लोब्ड होते हैं बेटा, इसमें कितनी लोब होती है, एट लोब होती है, ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर लोब है तो एक फिक्स डायरेक्शन भी होगी, समझ में आ गया, इससे ज़्यादा इनके बारे में ज़रूरत नहीं है बेटा, स्क्रीन शॉट लो, काम खत्म।
स्क्रीनशॉट लो। चलिए तो ये अपनी बात की बेटा किसकी, ऑर्बिटल के बारे में, कैसे करना है, क्या करना है। ये अपना ऑर्बिटल कंप्लीट है, ठीक है। चलो बेटा ऑर्बिटल के बाद बात करते हैं, ये अपना ऑर्बिटल का काम कंप्लीट हुआ है। चैप्टर का जो लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, रूल्स फॉर फिल द सबसेल, यानी सबसेल को फिल करने के रूल कौन कौन से होते हैं। ओके, तो हेडिंग लिखते हैं बेटा क्या, रूल्स फॉर फिल द सबसेल, यानी सबसेल को फिल करने के रूल्स क्या होते हैं। बच्चों कैसे, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो नॉर्मली क्या हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 3s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 वगैरह लिखते हैं ना अलग अलग सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ने ऐसे ही बता दिया। एक्चुअल में क्या सभी के लिए क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या कई सारे रूल्स बताए थे, तो सभी का कंक्लूजन यूज करते हैं बेटा। ओके, तो कई सारे साइंटिस्ट ने ये रूल बताए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, यानी सबसेल को फील किया जाता है, क्लियर। लेकिन सभी में एक बात कॉमन है कि सबसेल को कैसे फील किया जाता है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने क्या कहा, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, कम एनर्जी वाला सबसेल फील होगा, और उसके बाद क्या होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला सबसेल फील होगा। क्या कहा, सबसेल को फील करने का मेन बेसिस क्या है, मुख्य आधार क्या है, एनर्जी के सीक्वेंस में, ऊर्जा के क्रम में। क्या सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी वो फील होगा, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो फील होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, क्लियर। समझ में आया बच्चों, ठीक है बेटा। तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लो होता है एक रूल आता है इसमें, ओबो, क्या कहा, ओबो प्रिंसिपल, क्या कहा, ओबो प्रिंसिपल, क्लियर, ठीक है। बच्चा सोचता है सर ये साइंटिस्ट का नाम था क्या, नहीं बच्चों साइंटिस्ट का नाम तो नहीं था। एक्चुअल में क्या, ओबो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, यानी बनाना। बनाना मतलब क्या, यानी सबसेल को फील करने के जो सीक्वेंस बनाते हैं वो कैसे अरेंज करते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओबो प्रिंसिपल, ओबो रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी के वही क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले जिस सबसेल की एनर्जी कम होगी वो फील होगा, और जब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उससे ज्यादा एनर्जी वाला सबसेल फील होता है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या कम एनर्जी वाला, जब उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा, उससे ज्यादा एनर्जी वाला फील होता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो इसमें याद रखने का क्या एक तरीका होता है बेटा, कैसे नॉर्मली बेटा देखो यहाँ तक बात करें ओबो प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें बच्चों देखो मैं क्या एक टेबल टाइप से बना रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग याद रखना थोड़ा सा ईजी होता है। ओके, देखो कैसे करना है, क्या करना है, नॉर्मली अगर अपन बात करें तो इस टाइप से एक सीक्वेंस होता है इनको अरेंज करने का। कैसे, जैसे मान लो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर। फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ बेटा 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 और 2। बच्चा कहेगा सर ये सब क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे क्या ये, अरे ऑस्ट्रिच है क्या, नहीं बेटा एक्चुअल में क्या ये ट्रिक है बेटा, समझने का तरीका है। कैसे, ये 1s, ये क्या है बेटा 2s, ये क्या है 3s, ये क्या है 4s, ये क्या होता है 5s, ये क्या होता है 6s, और ये क्या होता है 7s, क्लियर, ठीक है। इसकी बात करें बेटा ये क्या होता है 2p, फिर 3p, फिर क्या होता है 4p, फिर क्या होता है 5p, फिर क्या होता है 6p, फिर क्या होता है 7p, क्लियर, ठीक है। ये क्या होता है 3d, फिर क्या होता है 4d, ये क्या होता है 5d, ये क्या होता है 6d, फिर ये क्या होता है बेटा 4f, ये क्या होता है 5f, समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो कैसे करते हैं इसको, क्या एरो से क्या करते हैं इनको सीक्वेंस मैच करते हैं बेटा, कैसे ऐसे एरो बनाते जाते हैं और इस सीक्वेंस में इनको अरेंज करते जाते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे समझते जाना बेटा। बच्चा कहेगा सर इन एरो का मतलब क्या है, तो क्या करेंगे अब इनकी हेड को इसकी टेल से मैच कर दो। क्या करो, इसकी हेड को मैंने क्या किया इसकी टेल से मिला दिया, और इसकी हेड को मैंने क्या किया इसकी टेल से मिला दिया। ओके, और इसकी हेड को इसकी टेल से, और इसकी हेड को इसकी टेल से, और इसकी हेड को इसकी टेल से मिला दिया। बच्चों देखो ये ट्रिक है सीक्वेंस याद रखने का तरीका, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस रटोगे सभी का तो सभी का सीक्वेंस याद कर नहीं पाओगे। ओके, बच्चा कहेगा सर इससे करना क्या है,
बच्चों देखो कैसे करना है, कई टीचर इसको दूसरे तरीके से भी करवा देते हैं, सभी का अपना अपना तरीका है, जैसे इजी लगे वैसे कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप देखो सीक्वेंस कैसे करना है, जैसे एरो की डायरेक्शन है वैसे चलते जाओ। कैसे, सबसे पहले क्या आएगा 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर उसके बाद कौन सा फिल करेंगे 2p, फिर कौन सा करेंगे 3s, फिर कौन सा करेंगे 3p, फिर कौन सा करेंगे 4s, फिर कौन सा करेंगे 3d, फिर कौन सा आएगा 4p, फिर 5s, फिर क्या आएगा 4d, 5p, 6s, फिर क्या आएगा 4f, 5d, 6p, 7s, फिर क्या आएगा 5f, 6d, 7p। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? बच्चा कहेगा सर इसके आगे क्यों नहीं लिखा, इसके आगे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर? तो कहने का मतलब क्या, ये जो स्नेक मूवमेंट टाइप से डायग्राम बनाया इसी के अकॉर्डिंग क्या सब सेल को फिल किया जाता है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? ठीक है बेटा, लेकिन सभी एलिमेंट क्या करें बेटा, इसको फॉलो करें, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं। कौन से एक्सेप्शन होते हैं? एक तो होता है बेटा क्रोमियम। क्या कहा? क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है? वैसे तो और भी कई एक्सेप्शन होते हैं, जैसे क्या क्रोमियम बोलू या कॉपर बोलू या फिर Ag बोलू या फिर Au बोलू, ये कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं इस रूल के। ओके, बच्चा कहेगा सर एक्सेप्शन क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी, अर्ध पूरित पूर्ण पूरित क्या होता है, स्थायित्व है। बच्चा कहेगा सर ये क्या है? तो बच्चों देखो क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा 24 इलेक्ट्रॉन है। तो इस सीक्वेंस से अगर मैं इलेक्ट्रॉन फील करता जाऊं, सबसे पहले क्या 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, अरे एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 1s2, फिर इसके बाद क्या 2, तो क्या लिखेंगे इसमें क्या आते हैं 2s2, फिर उसके बाद कौन सा 2p, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, अरे एक एक चीज अपने कैलकुलेट की है बेटा, याद है ना, तो क्या लिखेंगे 2p6, फिर कौन सा आ रहा है बेटा इसके बाद देखो 3s, इसमें कितने आएंगे 2, तो क्या लिखेंगे 3s2। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बेटा, तो हमें पता है 3s के बाद कौन सा आ रहा है, अरे 3p आ रहा है, यानी क्या लिखेंगे 3p6। समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक कितने हो गए देखो, यानी 4, और ये कितने, यानी यहाँ कितने 10 और 12 और 6 18, क्लियर 3p6। और यहाँ बात करें तो फिर क्या करेंगे 4s में कितने आते हैं 2, यानी कितने आ गए 20 के बाद क्या आ गया 3d, तो बची कितने गए 3d4। तो बच्चा कहेगा सर ये आएगा क्या, एक्चुअल में क्या आना ये चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है रॉन्ग होता है, इसका एक्सेप्शन होता है। तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ तक तो सेम है, एक्चुअल में क्या होगा, यानी हाफ फील्ड फुल फील्ड का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं एक सबसेल के अंदर, सभी में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन आए तो क्या बोलते हैं फुल फील्ड, ठीक है, सभी में एक एक आए तो बोलते हैं हाफ फील्ड, क्लियर, और किसी में एक किसी में दो ऐसे हो तो उसे बोलते हैं पार्शियल फील्ड, क्लियर। मैंने क्या बोला, फुल फील्ड पूर्ण पूरित, हाफ फील्ड अर्ध पूरित, और पार्शियल आंशिक पूरित, किसी में एक किसी में दो। तो क्या करेंगे, हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है, पार्शियल फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है, यानी समानता होती है, क्लियर। तो यहां पे क्या करेंगे डी में हमें पता है बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं, फाइव ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो D4, ये मैंने कहा था ऊपर जो नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, तो सभी में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सभी में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 4 में तो है, लेकिन 5 नंबर वाला वैकेंट है या नहीं है, है बेटा, तो उसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां तक तो सेम होगा, आगे क्या होगा 4s1 और क्या होगा 3d5। समझ में आ गया, क्लियर। जबकि ये रूल तो क्या कहता है बेटा, पहले वाला सबसेल पहले वो पूरा फील होगा, उसके बाद उससे आगे वाला उससे ज्यादा एनर्जी वाला फील होगा, लेकिन ये इसका क्या है एक्सेप्शन, रूल के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है ऐसे होता है। समझ में आ गया कैसे क्या, यस और नो, क्लियर। तो ये ध्यान रखना ओहो प्रिंसिपल क्या कहता है कैसे कहता है बेटा, क्लियर। बाकी में ऐसे ही एक्सेप्शनल ये अप्लाई होता है बेटा, क्लियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो? अरे जान दू क्या, चलो ये तो अपने किसकी बात की बेटा, ओहो प्रिंसिपल जो फर्स्ट वाला होता है, सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। चलो सेकंड में अपन बात करते हैं बेटा, सेकंड कौन सा आता है, N प्लस L का रूल आता है, यानी एनर्जी का रूल आता है बेटा। क्या कहा, सेकंड कौन सा आता है, N प्लस L, तो सेकंड देखते हैं बेटा क्या N प्लस L या फिर एनर्जी रूल, यानी इसको दोनों बोला जाता है एनर्जी रूल, यानी N प्लस L रूल या एनर्जी रूल, क्लियर। ये क्या कहता है बेटा,
मेन बेसिस सभी का सेम है क्या? जिसकी एनर्जी कम वो पहले फील होगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो बाद में फील होगा। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है? जिस सबसेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी, वो पहले फील होगा, क्लियर। और जिस सबसेल के लिए क्या n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो बाद में फील होगा, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिखूं बेटा 3s, ठीक है, फिर क्या लिखा 3p, फिर मैंने लिखा है 3d, समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पहली बात तो एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है बेटा। तो सबसे पहले देखो एनर्जी कैसे देखनी है, n प्लस एल की वैल्यू अगर मैं देखूं, इसके लिए n कितना है 3 और s के लिए l कितना होता है 0, अरे s p d f याद है ना, तो 3 प्लस 0 इसका मतलब 3 प्लस 0 मतलब n प्लस l की वैल्यू कितनी 3, yes or no, clear, ठीक है बेटा। अब क्या कहेंगे 3p, n की वैल्यू कितनी 3p के लिए l कितना होता है 1, यानी कितना हो गया 4, yes or no, इसका मतलब अगर हम बात करें बेटा तो क्या करेंगे n कितना 3, इसके लिए l कितना 2, तो ये कितना आ गया 5, इसका मतलब ये बताओ इसकी एनर्जी देखो n प्लस एल सबसे कम, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम, तो ये पहले फील होगा। इसकी फिर इसके लिए n प्लस एल इससे ज़्यादा, तो ये इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा, यानी इसके बाद ये फील होगा। और क्या उसके बाद हमें पता है बेटा सबसे ज़्यादा n प्लस एल क्या है, इसके लिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में फील होगा, समझ में आ गया। तो इनके फील होने का ऑर्डर आप क्या बोल सकते हो, सबसे पहले ये फील होगा, इसके बाद ये, और इसके बाद ये होगा, समझ में आया कैसे किया, क्लियर, येस और नो। लेकिन आपको कई एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, ये तो बच्चों वाला एग्जाम्पल है बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं है, आपको कई एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या n प्लस एल की वैल्यू इक्वल होगी। मैंने क्या कहा, कई एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जिनके लिए क्या n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो बच्चा कहेगा सर n प्लस एल की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तब क्या करेंगे, मतलब एनर्जी इक्वल आ जाएगी, जबकि आपने कहा सबसेल को कैसे फील करेंगे, कम एनर्जी वाला पहले उससे ज्यादा एनर्जी वाला बाद में। तो जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर है तो एनर्जी बराबर, एनर्जी जब बराबर है दो सबसेल की तो पहले कौन सा फील करे बाद में कौन सा फील करे, तो यह ध्यान रखना। अगर n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आ रही है, मैं बोल रहा हूं अगर अगर n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आए तो क्या करना, ओनली n की वैल्यू के अकॉर्डिंग एनर्जी देखते हैं। क्या कहा, अगर कोई दो सबसेल के लिए n प्लस एल का मान, n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ रही है तो क्या करना, जिसके लिए n कम होगा उसकी एनर्जी कम पहले फील होगा, जिसके लिए n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा वो बाद में फील होगा, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मैंने क्या कहा था एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं बेटा, n और l, मेनली तो क्या होता है n होता है, l तो एसेसरी फॉर्म में होता है, समझ में आया, क्लियर। तो क्या करेंगे बेटा, अगर हमें कोई ऐसा एग्जांपल दे दे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये बोला गया है क्या 3d 4p और 5s, ये बोला गया बेटा, क्लियर। चलो तो सबसे पहले क्या देखना है, n प्लस एल से देखेंगे, n प्लस एल बराबर आएगा तो ही अपना दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा, वरना जरूरत नहीं है। कैसे, n की वैल्यू कितनी है 3 और d s p d l कितना है 2, तो कितना हो गया बेटा 5, काम खत्म। इसके लिए देखें n की वैल्यू कितनी है 4, l कितना है 1, तो कितना हो गया 5। इसके लिए देखें n कितना है 5, l कितना है 0, तो ये कितना हो गया बेटा 5, समझ में आ गया। n प्लस एल बराबर है तो ओनली किसके अकॉर्डिंग देखना है, n की वैल्यू के अकॉर्डिंग है, ओनली n की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, n कितना है 3, इसके लिए कितना है 4, ये कितना है 5, जिसके लिए n कम एनर्जी कम वो पहले फील होगा, जिसके लिए n सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा वो सबसे लास्ट में फील होगा। तो सबसे पहले क्या होगा 3d, फिर 4p, उसके बाद 5s फील होगा, समझ में आ गया, येस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें खास का ध्यान रखना, जिसमें सबसे ज़्यादा गलती करवाता है क्या, हाइड्रोजन एटम एंड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या कहा, हाइड्रोजन एटम या फिर कोई और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो उसके लिए क्या करते हैं, तो ध्यान रखना अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें या एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो उसमें एनर्जी ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करेगी, n की वैल्यू पर। मैंने क्या कहा, उसमें n प्लस l के अकॉर्डिंग नहीं करना है, उसमें एनर्जी ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करेगी, n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, क्लियर। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फर्स्ट सेल में आएगा, फर्स्ट सेल यानी क्या लिखेंगे 1s1, यस और नो, और 1s1 n तो 1 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन s की बात करें, s के लिए l कितना होता है 0, तो 0 ऐड करेंगे जैसे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करेगा n, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, एम्स में आया हुआ है गलती करवा देगा बच्चा, इस बात को
रट के रखता है और इसी के अकॉर्डिंग आंसर देता है, जो क्या है बेटा, रॉन्ग है। क्लियर? अगर हाइड्रोजन एटम बोले या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोले तो क्या करना है, ओनली एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग। कैसे बेटा? तो जिसके लिए एन कम उसकी एनर्जी कम वो पहले फील होगा, जिसके लिए एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा वो बाद में फील होगा। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आपसे, ये बोले 1s, फिर क्या बोले 2s, फिर क्या बोले 2p, फिर क्या बोले 3s, फिर क्या बोले 3p, फिर मैं बोलूं 3d, फिर बोले जैसे 4s, 4p, 4D, 4F, एग्जाम में तो दो तीन ऑप्शन दे रखे थे तो इसके अकॉर्डिंग दे रखा था। अब मुझे ऑर्डर क्या चाहिए, मुझे ऑर्डर चाहिए बेटा इनकी एनर्जी का। किसका ऑर्डर चाहिए? एनर्जी का। तो देखो N के अकॉर्डिंग अगर बात करें, देखो N कितना, ओनली एंड ओनली N से मतलब है क्या, 1 और 2, N क्या है इसके लिए ज़्यादा, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई, 2S, 2P, N सेम है ना, तो एनर्जी बराबर। क्लियर? 2P से 3S जाएंगे, N देखो 2 से 3, एनर्जी वापस बढ़ गई, 3S, 3P, 3D, N सेम है तो एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, यस और नो? क्लियर? 3s, फिर क्या होगा, 3d से 4s जाएंगे, n बढ़ गया, n की वैल्यू इंक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज, 4s, 4p, 4d, 4f, n बराबर है या नहीं है, n बराबर है तो एनर्जी भी बराबर। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फील होगा बेटा, इसमें फील होगा, इसके बाद इसमें फील होगा, और इनकी बात करें तो इसमें दोनों में किसी में भी हो सकता है। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, इसमें फील होगा, और इन तीनों की एनर्जी इक्वल है तो किसी में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, उनमें एनर्जी ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करती है, ओनली एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। लेकिन कब है? हाइड्रोजन एटम बोले और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोले तो। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो यहां तक बात ठीक है क्या? कहा बेटा, समझ में आ गया? क्लियर? ये होता है बेटा N प्लस L रूल और एनर्जी रूल। क्लियर? चलो बच्चों इसके बाद बात करते हैं क्या नेक्स्ट रूल क्या आता है, कैसे आता है और कैसे करना है बच्चों। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट रूल कौन सा आता है, हुंस रूल ऑफ, क्या कहा, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी यानी हुन की बहुलता का नियम। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी क्या बेटा, मल्टीपल होना, मल्टीपल होना, मल्टीपल होना मतलब है ज़्यादा होना, एक से ज़्यादा होना, एक से ज़्यादा होना मतलब क्या, एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं। ओके, तो देखो बेटा हुन ने क्या कहा था, हुन ने क्या कहा था, एक बात तो इन्होंने क्या कही, क्या कि जब एक सबसेल के अलग अलग ऑर्बिटल में, क्या कहा, एक सबसेल के अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग में नहीं आना चाहिए, तब तक डबल नहीं होना चाहिए एक ऑर्बिटल के अंदर, जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। मैंने क्या कहा, एक ही सबसेल के अंदर क्या, जब इलेक्ट्रॉन फील किए जाएंगे अलग अलग ऑर्बिटल में तो एक ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन डबल नहीं करने हैं जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे और क्यों, इसका रीजन क्या है बेटा, समझना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो ये ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ। क्लियर? ठीक है बच्चों, देखो ऐसे कई सारे केस मान लो मैंने बना दिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, देखो इजी वे में समझना, ये कई सारे एग्जांपल मैं बना रहा हूँ समझने के लिए। अब मान लो आपसे बोला जाए क्या, आपसे बोला जाए कि मान लो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अरे एक ही या दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ऐसे कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहे को तीसरा इलेक्ट्रॉन फील करना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन फील करना, बच्चे ने ये कर दिया। क्लियर? या फिर मुझे क्या करना है, मान लो कैसे थे बेटा, ऐसे तो थे, अब मुझे क्या करना, दो इलेक्ट्रॉन और फील करने, बच्चे ने ये कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब मुझे दो ही इलेक्ट्रॉन फील करने, बच्चे ने ये कर दिया, और मान लो ऐसे किया तो ऐसे किया, तीन इलेक्ट्रॉन फील करने थे तो बच्चे ने ये कर दिया। क्लियर? अब पूछे कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका मतलब क्या बेटा, ऑर्बिटल कक्षक कितने थे, 1, 2, 3, 3 थे, इलेक्ट्रॉन कितने फील करने हैं, ये जो एरो बना रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन के नंबर को बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ऑर्बिटल कितने हैं, 1, 2, 3, 3
ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, थ्री, थ्री ऑर्बिटल है, थ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता, उसके बाद डबल होना स्टार्ट होता। इसका मतलब इसने पहले डबल कर दिया, तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्लियर? अब क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन टू थ्री फोर। इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, क्या इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या तीन ऑर्बिटल थे, यानी एक खाली पड़ा है, वैकेंट है, उससे पहले क्या किया आपने, डबल कर दिया, ये भी गलत है। क्लियर? इसके बात करें ऑर्बिटल कितने हैं, तीन हैं, तीन ऑर्बिटल है, तो दो में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन थे ही दो तो दोनों में एक एक आ गया, ये सही है बेटा। क्लियर? या फिर क्या कहें, ऑर्बिटल कितने हैं, तीन है, ऑर्बिटल तीन है और आपने क्या किया बेटा, मान लो तीन तो फिल कर दिए, अब मान लो फोर्थ इलेक्ट्रॉन और आ गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तब जाके आप पेयरिंग कर सकते हो, तब जाके युग्मन कर सकते हो, तब जाके डबल कर सकते हो। क्या कहा, समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हर ऑर्बिटल में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके बाद आप डबल करना स्टार्ट करोगे। बच्चा कहेगा सर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि रिपल्सन कम से कम हो। क्यों? आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल बचे हैं, यानी रिक्त कक्षक है, उसके बाद भी आप एक ही ऑर्बिटल में, एक ही कक्षक में कई सारे इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हो, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से क्या होगा, अरे सीधी सी बात है, रिपल्सन फोर्स से क्या होगा, जो ऑर्बिटल है उसकी शेप डिस्टर्ब होगी, नहीं होगी, होगी, यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अस्थायित्व बढ़ेगा। तो उनको स्टेबल करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जितने ऑर्बिटल आपके पास है सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फील कर दो। क्लियर? जब सभी में एक एक हो जाएगा उसके बाद तो डबल करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर? सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी हॉस्टल में मान लो 10 रूम है बेटा, 10 रूम है। क्लियर? मान लो 10 रूम है रहने के लिए, अब मान लो क्या 10 रूम है, आपके पास स्टूडेंट है कितने, 10 ही बेटा, सपोज करो, यानी 10 रूम पड़े थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हॉस्टल के अंदर 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक या दो रूम के अंदर ही सबको फंसाओगे जबरदस्ती, जरूरत है क्या, अरे डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा या नहीं होगा, होगा। तो सभी को, यानी क्या करें, स्टडी अच्छे से हो, इसके लिए क्या जरूरी है, जहां तक हो सके सभी को एक एक रूम में एक ही रखेंगे, ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, हर रूम में एक एक, जब तक रूम अवेलेबल है तब तक हर में एक एक करेंगे। अब सपोज करो दो तीन बच्चों का और एडमिशन हो गया, हॉस्टल में और रहने आ गए, तो क्या करेंगे, रूम तो 10 ही है और दो बच्चे और आ गए, बच्चा कहेगा सर दो रूम और बना लेंगे, नहीं, रूम वही है, फिक्स है। सपोज करो अब दो बच्चे और है, तब क्या करेंगे, उन्हें किसी और बच्चे के साथ एडजस्ट करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि अब थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब हम अरेंज कर सकते हैं। यही बात इन्होंने कही, क्या कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में लेके आना है, तो पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा। सबसे पहले सभी में एक एक फील करो, और जब एक एक आ जाएगा उसके बाद डबल करना स्टार्ट करो। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, ये पहला रूल है। दूसरे बात देखो, इन्होंने क्या बताई, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड मतलब क्या, अयुग्मित, यानी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका सभी का स्पिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, तो आपको याद है बेटा, अपने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन क्वांटम नंबर, याद है ना, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है, नहीं करता, अपने एक्स पर भी घूमता है, तो क्या होगा, एक क्या होना चाहिए। जैसे एरो हम बना रहे हैं बेटा, तो नॉर्मली एरो अपन क्या दो टाइप के बनाते हैं, एक तो क्या ऐसे, एक बनाते हैं बेटा क्या ऐसे, इन दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अपन ये बना दिया या फिर ऐसे बना दिया। क्लियर? ये है बेटा क्लॉकवाइज, बात समझ में आई क्या, ये कैसा है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी डायरेक्शन देखो, अपवर्ड वाला होता है, मैंने क्या कहा, अपवर्ड वाला होगा वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड वाला क्या, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बेटा, मैंने क्या कहा, अपवर्ड वाला क्या, जिसमें ऊपर की डायरेक्शन में होगा वो क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर? तो क्या करना, जब अनपेयर्ड वाले हैं, सभी अनपेयर्ड का स्पिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो सभी में क्या सिमिलरिटी हो, इस वजह से। ओके, कैसे बेटा, देखो मान लो आपको ये ऑर्बिटल फील करने हैं, ये मान लो ऑर्बिटल फील करने, एक ऐसा है, दूसरा केस आपसे दिया जाए ऐसे दिया जाए। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा, बच्चे को ये बोल दे, तो बच्चे ने मान लो ऐसे कर दिया, बच्चे ने ऐसे कर दिया, और बच्चे ने मान लो और ऐसे दे दिया, एक केस ऐसे दे दिया, तो क्या कहेंगे, ये सही है क्या, ऊपर की दिशा वाला मैंने क्या कहा, अपर डायरेक्शन वाला क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, मतलब रॉन्ग है। बात समझ में आई क्या, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, ये रॉन्ग है। ओके, ठीक है। या फिर आपसे क्या कह सकता है, ऐसा डायग्राम अगर दे दे, ऐसा डायग्राम दे दे, तो सभी क्लॉकवाइज है, मतलब करेक्ट है, ठीक है। या फिर ऐसा दे दे,
ऐसा क्या आपको ऐसा कोई केस दे रखा हो, मतलब ये भी क्या करेक्ट है। सभी देखो क्लॉकवाइज हो, सारे जरूरी नहीं है सारे एंटी क्लॉकवाइज हो। देखो मैंने क्या कहा, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी स्पिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नॉर्मली टीचर बेटा दो ही रूल बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चा नॉर्मली दो ही रटता कि मुझे आता है हुंड रूल, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा गलती इन्हीं में करवाएगा। क्या एक्चुअल में क्या होता है, दो पॉइंट और ध्यान रखना जो आपसे गलती करवा सकते हैं। नॉर्मली बच्चे को यही ध्यान होता है, टीचर दो तो सार को ही बताता है, ध्यान रखना। क्या अब इन्होंने क्या कहा, जो पेयरिंग होगी, एक बात तो इन्होंने कॉमन सी कही, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी युग्मन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अब क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं जब पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं, क्लियर। बच्चे से पूछे इनमें से कौन सा सही है, जैसे मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने ऐसे डायग्राम बनाए हैं कि बोले कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, लेकिन बच्चे ने क्या दिमाग लगाता है, बच्चा देखो समझना बेटा इस बात को। अगर मान लो मैंने क्या फोर इलेक्ट्रॉन मैंने फील किया है, मान लो मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन मुझे फील करना है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, अरे सीधी सी बात है मेरे पास ऑर्बिटल कितने हैं, तीन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, तो एक बात तो श्योर है एक की पेयरिंग मुझे करनी पड़ेगी, एक में डबल मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्लियर। अब बच्चा क्या कहेगा, बच्चे से पूछे इनमें कौन सा सही है, तो बच्चा कहेगा सर सबसे पहले सभी में वन वन आया, ये वन वन, क्लियर। अब डबल करना पड़ेगा तो यहीं से स्टार्ट करूँगा, सर ये करेक्ट है लेकिन इसमें तो ये दे रखा है तो सर रॉन्ग होना चाहिए, इसमें इससे डबल करना स्टार्ट कर दिया ये रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तीनों ही करेक्ट है बेटा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है नहीं होती, होती है तो सभी की एनर्जी इक्वल है तो डबल वाला इलेक्ट्रॉन चाहे किसी में फील कर दो, डबल यानी पेयरिंग करना जरूरी नहीं, फर्स्ट से ही स्टार्ट करो, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फील करने का बेसिस क्या है बेटा, यानी एनर्जी। और एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, संभ्रंश होते हैं, याद है ना। तो जब सभी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यानी पेयरिंग आप किसी से भी कर सकते हो, इससे भी या फिर इससे भी, समझ में आ गया मैंने क्या किया, क्लियर। तो एक रूल ये ध्यान रखना, ओके। एक रूल क्या होता है, बच्चे से बोला जाए किन में से कौन सा करेक्ट है, बच्चे से बोला जाए कि कौन सा करेक्ट होगा तो आपसे बोले एक तो मैंने ये बोला है, एक मैंने ये बोला है, एक मैंने ये ऐसे बनाया बेटा, जैसे मान लो इसकी बात करें, एक आपको ऐसे बना के दे रखा है, ठीक है। बच्चों को बोले हुंड रूल के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो बच्चा कहेगा सर इसमें तो दोनों डायरेक्शन सेम है ये गलत है, इसमें दोनों डायरेक्शन अपोजिट है ये सही है, इसमें सेम है ये गलत है, ये दोनों अपोजिट है मतलब है, ये सही है, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना ऐसा नहीं है बेटा, ये भी सही है और ये भी सही है, ओके। बच्चा कहेगा सर आपने ये क्यों कहा अपोजिट स्पिन के साथ, तो वो बात पाउली ने बताई थी लेकिन हुंड ने नहीं बताई थी। मैंने क्या कहा, हुंड ने ये नहीं कहा था कि पेयरिंग वाले का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, मैंने क्या कहा फिर सुन लेना, हुंड ने सिर्फ ये कहा था सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके बाद डबल करना स्टार्ट करना, उसने ये नहीं कहा था कि जो डबल करोगे उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, उसने ये कहा था जब सब सिंगल सिंगल होंगे तब उनका स्पिन सेम होना चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर। तो बच्चा कहेगा सर हम नॉर्मली फिर ये क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं मैंने क्या कहा था ये सबसेल को फील करने के रूल सभी का कंक्लूजन हम यूज़ करते हैं, पाउली ने कहा था ऐसे अगर करोगे तो एन स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, अस्थायित्व ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा बेटर है, इस वजह से ये यूज़ करते हैं, समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन हुंड की बात करें, हुंड ने ये नहीं बताया था कि जो पेयरिंग में होगा डबल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, उनका स्पिन सेम होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए, तो ध्यान रखना सारे सही है। इन्होंने क्या कहा, दोनों क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, डबल वाला पेयरिंग वाला, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, या पहला एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, कैसे भी हो सकता है, डबल वाला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन कैसे भी हो सकते हैं, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो, इनको कोई मतलब नहीं था, समझ में आ गया बेटा, यस और नो। तो हुंड के अकॉर्डिंग क्या सारे सही थे, समझ में आ गया, अरे यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा तो ये अपने बात की हुंड्स रूल की, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बात समझ में आ रही है ना। चलो अब बात करते हैं बच्चों, क्या चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा अपने, पाउलीज रूल, ओके। क्या करते हैं, पाउलीज रूल की बात करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है बच्चों, देखो समझते हैं, हेडिंग देखते हैं, नंबर फोर, नंबर फोर में क्या कहेंगे, पाउलीज रूल ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी
पाउली का अपवर्जन का नियम। तो पाउली ने सबसे पहले क्या करता है बेटा, एक ऑर्बिटल के अंदर क्या कहा, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, वो किसने बताया था, पाउली ने बताया, नाम से साइंटिस्ट थे बेटा, देखो लगते नहीं लेकिन थे साइंटिस्ट है ये। क्या इन्होंने क्या बताया, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, ये किसने बताया, पाउली ने बताया। पाउली ने क्या कहा, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, क्या कहा, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी कैसे, जिनका स्पिन क्या हो, अपोजिट हो, विपरीत चक्रण वाले। कैसे बेटा, देखो इन्होंने क्या कहा, वैसे ही जैसे अपन कहे, मान लो ये आपको कई सारी कंडीशन दे दे, तो बोले पाउली के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, अब आपसे बोले पाउली के अकॉर्डिंग, जैसे बोले ये सेम स्पिन वाले हैं, एक कंडीशन क्या आपको ये दे दे, एक कंडीशन जैसे क्या ये दे दी, और एक कंडीशन ये दे दी, तो पाउली से पूछा, पाउली ने क्या कहा, एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम दो आ सकते हैं, वो भी कैसे आने चाहिए, अपोजिट स्पिन वाले आने चाहिए, विपरीत चक्रण वाले आने चाहिए। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो अपोजिट स्पिन का मतलब क्या, देखो बेटा जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है, मेरे थंब की डायरेक्शन देखना, ये क्लॉकवाइज है, तो दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों, ऐसा ही हूं? क्योंकि हमें पता है एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज से दोनों में रिपल्सन होगा या नहीं होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें पता है जो ऑर्बिटल है कक्षा का उसकी शेप या आकृति डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी, होगी। इसका मतलब एक में दो को फील करना है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, तो पाउली ने क्या कहा, उनका स्पिन अपोजिट लेंगे, क्या कहा, स्पिन अपोजिट लेंगे। बच्चा कहेगा सर स्पिन अपोजिट लेने से क्या फर्क पड़ेगा, स्पिन अपोजिट लेने से ये फर्क पड़ेगा बेटा, एक क्या होगा अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्या होगा, दोनों के थ्रू लगने वाला, सीधी सी बात है, दोनों के थ्रू लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो क्या करेगा, अरे चार्ज दोनों का सेम है तो दोनों के थ्रू लगने वाला फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, और फिजिक्स का रूल है अपोजिट साइड में अगर इक्वल फोर्स लगता है तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। समझ में आ गया, इसका मतलब दोनों का स्पिन अगर अपोजिट हो तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के थ्रू लगने वाला फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स, एंड कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जीरो, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है ज्यादा। समझ में आ गया, क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा, इसमें दोनों ही क्या है क्लॉकवाइज है, मतलब ये पॉसिबल है क्या, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं, क्लियर। इसमें एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये करेक्ट है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज रॉन्ग है, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, मतलब ये करेक्ट है। तो ध्यान रखना, हुंड रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है लेकिन पाउली रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर, ठीक है। और इन पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि किसी एटम के अंदर, क्या कहा, किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, क्या कोई एटम है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, आप अपनी चॉइस से कोई से भी ले लो, एक एटम के, सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉन ले लो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर है, फोर क्वांटम नंबर कौन सी, एन एल एम एस, मैंने क्या कहा, एन एल एम एस, यानी क्या कहेंगे, जो फोर क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आ सकती, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक में मान लो क्या सेकंड सेल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल में, तो हमें पता है इसके लिए n कितना हो गया 2, इसके लिए कितना हो गया 3। बच्चा कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं, इस कंडीशन में n डिफरेंट है, लेकिन सर n सेम ले सकते हैं, यानी यहां से तो क्या हो गया n डिफरेंट हो गया। बच्चा कहेगा सर आपने कहा कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है क्या एक सेकंड सेल का लो, एक थर्ड सेल का लो, सर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लोगे या नहीं लोगे, बिल्कुल बेटा लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ले लो तो कौन सा 3s और 3p। बच्चा कहेगा ये लो सर n सेम हो गया, n सेम हो गया, लेकिन हमें पता इसके साथ s आ रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है p आ रहा है, और हमें पता सबसेल अलग हो गया, तो हमें पता है बच्चों l डिफरेंट हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, l डिफरेंट हो गया। बच्चा कहेगा सर आपने यही तो कहा है, क्या कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो तो जरूरी हो क्या 3s 3p ले, ओनली 3p ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली 3p ले लो, तो ये ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 3p ले लिया। बच्चा कहेगा सर 3p में क्या होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, सर तीनों ऑर्बिटल क्या है p सबसेल के हैं, तो तीनों के लिए l सेम है या नहीं है, l तो सेम है, लेकिन अब हमें पता है l सेम हो गया तो तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, अरे यस और नो, याद है ना, p के लिए l कितना, p के लिए l होता है बेटा 1, l 1 है तो m क्या होगा -1 0 और +1, तीनों को सीक्वेंस में लिख दिया, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ये यूज करूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये यूज करूँ, क्लियर। इसके लिए m कितना -1, इसके लिए m कितना 0, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये लो सर m भी डिफरेंट हो गया। बच्चा फिर कहेगा
करेगा, सर आपने क्या कहा था, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्या करेंगे सर, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, जैसे मान लो, तो जरूरी है क्या अलग अलग ऑर्बिटल वाले यूज करिए, एक ही ऑर्बिटल वाले दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल वाले दो इलेक्ट्रॉन पे आ जाएंगे, इसके लिए एस कितना होता है प्लस वन बाई टू, इसके लिए कितना होता है माइनस वन बाई टू। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए या तो एन डिफरेंट होगा, आपने एन सेम कर दिया तो एल डिफरेंट हो जाएगा, एल सेम कर दिया तो एम डिफरेंट हो जाएगा, मर पड़ के अगर एम सेम हो गया तो लास्ट में एस डिफरेंट हो जाएगा, स्पिन क्वांटम में नंबर एस डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है, एक एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर हम ले, उनमें से क्या मैक्सिमम तीन तक सेम हो सकते हैं क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर, जरूरी नहीं मैं एस की बात करूँ, एन हो चाहे एल हो चाहे एम हो चाहे एस हो, यानी टोटल फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ये अपने बात की बेटा, अपने चैप्टर की, अपना चैप्टर कंप्लीट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक एक चीज अपने डिस्कस करी है, कैसे करना है, क्या करना है, जीरो टू लास्ट तक बेटा मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है, ठीक है? ये नहीं दो तीन लेक्चर में खाली हेडिंग बता बता के निकल गए, मैंने पूरे इसे 9-10 लेक्चर दिए, वैसे काफ़ी बड़ा चैप्टर लेकिन फिर भी नोट करने का टाइम बचा है तो 9-10 लेक्चर पूरे दिए हैं, जीरो से लास्ट तक एक एक चीज़ हमने एक्सप्लेन की है। बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छे समझना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे, तो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी यूज़ करना, जब भी रिविजन करना हो तो ये ध्यान रखना, क्लियर? क्वेश्चन बैंक आपको सेंड किया हुआ, साथ साथ वो सॉल्व करते रहना बेटा, ठीक है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा अपना एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्या रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने वाला, उसके बाद ताकि गैसे जैसे रेडॉक्स आ गया या फिर मोल आ गया वो भी अपन पढ़ सकें, क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, यहां तक कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा, ओके बाय।